जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट नसीम सिद्दीकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल आधार कार्ड। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मीडिया चैनल ये न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाल आधार कार्ड होता क्या है। बाल आधार कार्ड की अगर हम डेफिनेशन देखने जाएंगे तो सरल भाषा में इस तरह से कहा जाएगा कि एक दिन के बच्चे से लेके 5 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे होते हैं, बाल का मतलब होता है बच्चे। तो एक दिन का बच्चा और 5 साल तक के बच्चों के जो आधार कार्ड बनता है उसे बाल आधार कार्ड कहते हैं, जो कि ब्लू कलर में आता है। जैसे हमारा जो आधार कार्ड है वो सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, इसी तरह जो बाल आधार कार्ड होता है वो ब्लू कलर का होता है। पहले जो है बाल आधार कार्ड बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता था। शहरों में तो ठीक है, छोटे शहरों में, रूरल एरिया में, गाँव वगैरह में बर्थ सर्टिफिकेट आते आते कुछ वक्त लग जाता था। लेकिन अब सरकार ने जो है बर्थ सर्टिफिकेट का कॉलम हटा दिया है और सरकार ने कहा है कि बच्चा जिस हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, मैटरनिटी होम में या जहाँ कहीं भी पैदा होता है उसका डिस्चार्ज कार्ड, जैसे बच्चा पैदा हो गया, आप जिस दिन वहाँ से निकलते हैं आपको एक डिस्चार्ज कार्ड मिलता है, उस कार्ड को लेकर के आप जो है अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बाल आधार कार्ड बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक बच्चे का डिस्चार्ज कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट और माँ या बाप दोनों में से एक का आधार कार्ड। फिर उसमें जो बायोमेट्रिक होता है, 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो हमारा लगता है, माँ बाप का लगता है। अब हाल ही में सरकार ने जो है एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक अगर आपका बच्चा 5 साल की उम्र से ज़्यादा हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तो आपका जो है बाल आधार कार्ड जो है, बच्चे का बाल आधार कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है अगर आपने उसको वक्त रहते जल्द ना जल्द उसको जो है बच्चे का जो है बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया तो आपके बच्चे का वो बाल आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द आपके 5 साल के ज़्यादा उम्र के जो भी बच्चे हैं उनका बाल आधार कार्ड जो है अपडेट करा दीजिए और उसमें अगर नाम में, स्पेलिंग में, एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप सही करवा सकते हैं। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जब तक के लिए जय हिंद।